आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में असर करेंगी? कुछ नहीं करेगी। लगता है राहुल गांधी और प्रियंका में बेहतर कौन है? हमें तो दोनों में कोई अच्छा नहीं लगता। प्रियंका का कोई असर नहीं होगा, राहुल गांधी ही मोदी जी की टक्कर लेंगे। कांग्रेस ही बहुत पहले से मांग करते रहे हैं कि प्रियंका आना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ असर होगा। बहुत असर होगी, मतलब राहुल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो केवल बच्चे जैसे कर रहे हैं हरकत, जो भी हो बच्चे जैसे ही कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में असर करेंगी? कुछ नहीं करेगी जी, कुछ नहीं करेगी। क्यों? आज कोई घर से बाहर निकलेगा अगले दिन उसको काम करने शुरू कर देगा क्या कोई भी? अब तक किसी को आदमी को, नए आदमी को लाओगे तो एकदम कोई राजनीति में लाएगा तो एकदम उसको काम करना शुरू कर देगा कि वो मैं सब कुछ बदल दूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। किस चीज़ के लिए आदमी करता है, मेहनत करता है, उसी हिसाब से होता है। आपके हिसाब से वो नहीं है अभी? बिल्कुल राजनीति में नहीं। वैसे तो प्रचार करती रही है वो, राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का प्रचार करती रही है। अब आपको क्या लगता है राहुल गांधी और प्रियंका में बेहतर कौन है? हमें तो दोनों में कोई अच्छा नहीं लगता। जो देश के लिए नहीं सोचता वो खाली अपनी उसके लिए सोचते हैं, घोटालों के लिए, और कुछ नहीं कर सोचते हैं। हाँ, आप बताइए क्या कहेंगे? सर दोनों ही बेहतर हैं, कोई सा भी आ जाए। राहुल गांधी एक ऐसे हैं, हमारे लिए काम भी करा पहले भी उन्होंने, लेकिन मोदी के राज में थोड़ा सा आने के बाद नोटबंदी, किसानों को भी थोड़ा सा ज़मीनों पर टेंशन ज़्यादा डाल दी है। तो मैं यही चाहूँगा कि बेहतर राहुल गांधी है, और आने वाले 2019 में प्रियंका का असर होगा 2019 के चुनाव में? नो, प्रियंका का कोई असर नहीं होगा, राहुल गांधी ही मोदी जी की टक्कर लेंगे, और शायद मेरी ओर से बन भी सकते हैं। आप बताइए सर, 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का असर होगा? प्रियंका गांधी पहले से भी राजनीति कर रही है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे उसमें रायबरेली में और उसमें काम करती रही है, तो कुछ ना कुछ असर तो जरूर होगा उस, क्योंकि कांग्रेस ही बहुत पहले से मांग करते रहे हैं कि प्रियंका आना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ असर होगा जी। आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में बेहतर कौन है नेता? प्रियंका गांधी बेटर। राहुल गांधी? नो। क्यों? वो नथिंग, नहीं, नो, वो कुछ नहीं, वो अभी समझो वो बच्चे हैं। हाँ, प्रियंका गांधी का 19 के चुनाव में असर होगा कुछ? बहुत असर होगी, मतलब राहुल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो केवल बच्चे जैसे कर रहे हैं हरकत, जो भी हो। मेरा सवाल ये है सिंपल सा कि प्रियंका गांधी को आप जानते हैं? जी। आपको लगता है 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का असर होगा? होना तो चाहिए, पहली बार उनको ये, उनका चेहरा ही ये कह के उतारा जा रहा है कि भाई उससे कांग्रेस को शायद थोड़ा सा बेनिफिट हो, लेकिन अभी ना तो हमने प्रियंका गांधी का ही काम देखा है ना ही राहुल का, तो अगर एक एक्सपोजर उनको दे के दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कांग्रेस में इस समय काफ़ी यंग हमारे प्रत्याशी हैं जिनको मुझे लगता है कि मौका मिलना चाहिए, हमारे जो यंग नेता हैं उनको एक मौका मिलना चाहिए और उनको अपना अनुभव बढ़ाने का और इस देश को सर्व करने का मौका मिलना चाहिए। इन दोनों के अलावा और भी लोग हैं जिनको मौका मिलना चाहिए कांग्रेस में? जैसे सचिन पायलट हैं, हमारे सिंधिया साहब हैं, और भी लोग हैं। आप बताइए, क्या 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी का असर होगा? असर बिल्कुल होगा, असर नहीं होता तो कोई कांग्रेस जैसी पार्टी उसको लॉन्च नहीं करती इस टाइम पे, इलेक्शन के जस्ट 2-3 महीने पहले। मेरा सवाल ये है आप लोगों से, क्या आपको लगता है 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी का असर होगा चुनाव में? हमारे उत्तर प्रदेश में तो नहीं होगा, यूपी में नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अखिलेश भैया और बहन मायावती जी की आधी चल रही है वहाँ पे। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए, राहुल और प्रियंका में बेहतर नेता कौन लगता है आपको? दोनों अच्छे हैं। आप बताइए। हम तो राजस्थान से हैं। आपको लगता है 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का असर होगा? नहीं, राजस्थान में नहीं होगा। राजस्थान में नहीं होगा। नहीं होगा बिल्कुल। प्रियंका राहुल में बेहतर नेता कौन लगता है? दोनों ठीक ठाक हैं। हाँ ठीक ठाक हैं, लेकिन मोदी जी से अच्छे नहीं है। मोदी से अच्छे नहीं है। हाँ। आप क्या कहेंगे? राजस्थान में तो नहीं आएगा। क्या प्रियंका गांधी का असर होगा 2019 के चुनाव में? राजस्थान में नहीं होगा।
राजस्थान में नहीं होगा। अच्छा। जी राहुल में बेहतर कौन है? दोनों ठीक है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी से अच्छा नहीं है। आप बताइए सर, आगे आइए सर, आप हमें बताइए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का असर होगा? असर थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि बहुत टाइम से कांग्रेस पार्टी के लोग, उनके युवा मोर्चा वाले चाहते थे प्रियंका एंट्री करे, पर ये जो समय प्रियंका को मिला, थोड़ा मिला है, इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी वो। राहुल और प्रियंका में बेहतर कौन है? नेचुरल प्रियंका बेहतर मानी जाती है। राहुल नहीं है? राहुल थोड़ा सा कम है, यानी 19 और 20 में टक्कर लगाया तो 19 ही है, 20 वो है। अच्छा, आप बताइए। जी बताइए सर, 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी का असर होगा? एक दाव जो खेला है कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को आगे ले आकर, आपको लगता है असर होगा इसका? नहीं सर, देखिए 2019 में प्रियंका गांधी जी को लाया, ठीक किया, लेकिन कभी वो इलेक्शन में नहीं ना रही और एकदम से ला के पेश कर दिया, और जो ऑलरेडी पुराने नेता हैं उनको तो सबसे पहले वोट मिलेगा, जैसे ऑलरेडी बीजेपी कर रही है। मैं बीजेपी की सपोर्टर नहीं हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। राहुल और प्रियंका में, राहुल गांधी प्रियंका गांधी, इन दोनों में बेहतर कौन है? जी ऐसे सर देखा जाए तो प्रियंका गांधी बेहतर है, लेकिन अगर अभी चलने के लिए तो राहुल गांधी ठीक है। अभी चलने के लिए राहुल गांधी ठीक है जी। बहुत पहले लग रहा काम था। आप हमें बताइए, मेरा सवाल, 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी क्या असर करेंगी कांग्रेस के लिए? 100% करेगा। 100% करेगा, बहुत पहले लाने का काम था एक्चुअल। आप बताइए। ठीक है, सही, प्रियंका गांधी ज्यादा बेटर है उससे जो है। अगर राहुल के दम पे गाड़ी चल सकती है, राहुल के दम पे अगर गाड़ी चल सकती है कांग्रेस की, तो प्रियंका को लाने की जरूरत क्या थी? आज कांग्रेस पार्टी भी ये मान चुकी है कि राहुल गांधी इतने सक्षम नहीं है कि अगर इनको कल को पीएम बना दिया जाए तो ये देश को चला सकते हैं। उसके लिए एक बैसाखी तैयार की गई है प्रियंका के रूप में। अब ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की तुलना इंदिरा गांधी जी से की जा रही है, अब इंदिरा गांधी भी दोबारा आ जाएं तो राहुल गांधी की छवि नहीं सुधार सकती, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बयानों से अपनी इमेज इतनी धूमिल कर ली है कि एक लगता ही नहीं है कि कांग्रेस के इतनी पुरानी छवि को जो उसने धूमिल कर दिया है, 60 साल 70 साल पुरानी पार्टी है, बिल्कुल ऐसे साबित कर दिया है कि जैसे नौसिखियाँ हैं, अनाड़ी हैं, तो उस छवि को सुधार नहीं पाएंगे। प्रियंका और राहुल में बेहतर कौन लगता है? डेफिनेटली प्रियंका गांधी, बिकॉज शी हैज सम माइंड, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक भी हो सकती हैं और राजनीतिक तौर पर आगे कामयाब भी हो सकती हैं। मगर राहुल गांधी अपने मुंह से खुद कबूल चुके हैं कि मैं पप्पू हूँ, मुझे सारा विपक्ष पक्ष सब पप्पू कहते हैं, तो बिकॉज ऑफ सम रीजंस। आप बताइए हमें, प्रियंका और राहुल गांधी में बेहतर कौन है? सर मेरे हिसाब से तो दोनों बेहतर हैं, लेकिन आज अगर प्रियंका जी आई हैं तो वाकई उनमें छवि इंदिरा गांधी जी की दिखती है। अच्छा। इसमें नहीं काटा जा सकता, इंदिरा गांधी जी आए या ना आए उनकी जरूरत नहीं है, इंदिरा गांधी जी का नाम ही बता चलता है। अगर राजीव राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं और प्रियंका जी को भी अगर मेहनत का सहारा मिले तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के वो कहते हैं दोनों मिलकर काम कर लेंगे। इंदिरा की छवि दिखती इसलिए आप उनके साथ हैं? नहीं नहीं, इंदिरा की छवि दिखती है सर, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन राहुल जी तो मेहनत कर ही रहे ना। आज राहुल जी को पप्पू कहा जाता है, कुछ भी कहा जाता है, विपक्ष जो मर्जी कहे, लेकिन आज मोदी जी के सामने खड़े तो है ना यार, टक्कर तो दे रहे हैं ना। आपके हिसाब से दोनों बेहतर है? बहुत बेहतर है सर, और दोनों 2019 के अंदर बेहतरीन काम करेंगे सर, मुझे उम्मीद है।